जो मणिपुर में समस्याएं उत्पन्न हुई है, वहाँ पे एक गृह युद्ध का माहौल जो बना हुआ है, इस विषय पे हम लोगों ने भारत रक्षा मंच पूरे राष्ट्र में मैतेई समुदाय जो मणिपुर का भूमिपुत्र है, उस मैतेई समुदाय के समर्थन में भारत रक्षा मंच पूरे राष्ट्र में पिछले 30 तारीख से लेके आज तक का कार्यक्रम कर रही है। और प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री महोदय को ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं गवर्नर के माध्यम से। अभी हम लोग 12:30 में भारत रक्षा मंच के हमारे डेलीगेट्स और मणिपुर के कुछ मैतेई भाई लोग हम लोग गए थे, गवर्नर साहब से मिले और उनको हमने ज्ञापन दिया। मुख्य विषय यह है कि जो मणिपुर में अभी जो विषय चल रहा है, घटनाक्रम चल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि विदेशी घुसपैठ। मणिपुर जल रहा है विदेशी घुसपैठियों के कारण। मणिपुर का भूमिपुत्र मैतेई है, जिसको सामान्य नागरिक का दर्जा दिया गया है, और वहाँ पे जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो आज़ादी के पहले से घुसपैठ के रूप में मणिपुर में आना शुरू हुए। कुछ लोगों ने अपना वहाँ का नागरिकता ले भी लिया है मणिपुर में, और बहुत से ऐसे हैं जो अवैध रूप से मणिपुर में रह रहे हैं, क्योंकि उनको ट्राइबल का, जनजाति का विशेष दर्जा दिया गया है, जिस कारण से वो पहाड़ों में भी अपनी ज़मीन परचेज कर सकते हैं, जंगल में भी खरीद सकते हैं और प्लेन इलाके में भी खरीद सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हो रहा है कि कुकी समुदाय जंगलों में, पहाड़ों पर नार्कोटिक्स, टेररिज्म का, नशा, आतंकवाद का सबसे बड़ा व्यापार कर रहे हैं। वहाँ पर नशे की खेती, गांजा, अफीम, चरस, इन सब जैसे पदार्थों की खेती वो लोग करते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया का एक मणिपुर को उन्होंने हब बना दिया है, जो म्यांमार के रास्ते ये आदान प्रदान वो लोग इस व्यापार को करते हैं। साथ साथ वे लोग आतंकी गतिविधि करने वाले लोगों के लिए अवैध हथियार, इलीगल आर्म्स का भी व्यापार करते हैं। यह कारण इतना समस्या जटिल इतना हो गया कि इस पे आने वाले समयों में ऐसा लगता है कि देश में एक विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो रही है चीन के द्वारा, और राजनीतिक षड्यंत्र से वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ उनको कुकी समाज के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रही थी। मैतेई समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। जब इसका विरोध किया मैतेई समाज के लोगों को, वहाँ के मुख्यमंत्री ने यह कोशिश किया कि उनको आरक्षण दिया जाए, इसका मांग किया गया, तो कुकी समाज के लोग जो इलीगल एक्टिविटी में रहते हैं, उन लोगों ने मैतेई समाज के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, इनके जुलूसों पे हमला किया, इनके पूजा स्थलों पे हमला किया। स्थिति वहाँ पे ऐसा बना कि 600 से ज़्यादा, जो संख्या सरकारी आंकड़ों में है, 600 से ज़्यादा घरों को जला दिया गया, 70-100 से ज़्यादा लोगों का हत्याएं हुई मैतेई समाज के लोगों का, 20 से ज़्यादा उनके धार्मिक स्थल मंदिर को नष्ट कर दिया गया। उसके बावजूद भी वे लोग इस गतिविधि को पूरे राष्ट्र में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि उसको धार्मिक एंगल देने का कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे हिंदू वर्सेस क्रिश्चियनिज्म का ये ऐसा दुष्प्रचार करवा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो है वो ये है कि वहाँ का भूमिपुत्र और विदेशी के बीच की बात है, और विदेशी लोग चूंकि कभी भी भारत से प्यार नहीं करते हैं, और ना ही उनका कभी इच्छा रहा है कि भारत से प्यार करें। भारत में सिर्फ आते हैं अपने पैसे भरने के लिए, भारत में टेररिज्म फैलाने के लिए, भारत के टुकड़े करने के लिए, वो इस मानसा से वो आते हैं, और उस मानसा में वो कामयाब है। कुकी समाज का एक म्यांमार का सांसद म्यांमार में से अपना त्याग, मतलब ये भारत आके और मणिपुर में नागरिकता लेता है और वो संगठन चलाता है। म्यांमार का एक सांसद मणिपुर में आके नागरिकता लेना, ये किसी को हजम हो रहा है क्या? क्यों लिया उसने? उसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है? तो ये सब षड्यंत्रों से भारत में, और ख़ास तौर से जो हमारा पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, यहाँ के लोग इनोसेंट होते हैं।
इनको बहका कर इनको डरा कर इनके जंगलों पे कब्जा करना, हमारे लोगों के जमीनों पे कब्जा करना, हमारे लोगों के बेटी बहुओं पे कब्जा करना उनकी नियत बन चुकी है। तो इसीलिए हम लोग भारत रक्षा मंच के लोग कुकी समाज के का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं और मैतेई समाज के लोगों का समर्थन करते हैं। पूरे राष्ट्र में अभियान हमारा चल रहा है। इस विषय के लेके हम लोग जो ज्ञापन दिए, ज्ञापन में हमारी मुख्य मांगे जो सात हैं वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पहला मांग हमारा यह है कि मणिपुर में जल्द से जल्द NRC लागू हो। मणिपुर में अगर NRC लागू होता है तो देसी और विदेशी की पहचान वहाँ हो जाएंगे और विदेशी लोग जब पहचाने जाएंगे तो कम से कम वहाँ से उनको हम डिपोर्ट करने का कोशिश कर सकते हैं या उनके ऊपर में अन्य कानून, अन्य धाराएं जो संविधान के तहत है उसके हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा यह है कि मणिपुर का जो बॉर्डर है, जो म्यांमार से लगता है, उसको पूरा सील किया जाए। भारत रक्षा मंच की ये मांग है कि बॉर्डर पूरा सील किया जाए, फेंसिंग किया जाए, जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पे कांटे की फेंसिंग हो, जहाँ जरूरत हो वहाँ पे बाउंड्री फेंसिंग हो और जहाँ जरूरत हो वहाँ लेजर फेंसिंग की जाए कि कोई भी अवैध तरीके से। अभी भी पिछले संडे को कुछ लोग वहाँ से म्यांमार से मणिपुर में घुसे जो पकड़े गए, तो इस तरीके से फेंसिंग की जाए कि लोग आए ना, अवैध घुसपैठ ना हो। तीसरा हम लोगों का मांग है कि नार्को टेररिज्म पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कठोर कार्रवाई हो। पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं, पूरा भारत आज नार्को टेररिज्म से ग्रसित है और नार्को टेररिज्म पे एक सख्त कार्रवाई करके साथ में मणिपुर में इसको लगा के और इस पे कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित रूप से मणिपुर के लोगों को सुविधा होंगी, हमारे पूर्वोत्तर के लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। हमारी जो चौथी मांग है, मणिपुर के जंगल, पहाड़, इन सबको हमारे भारतीय सैनिक के हवाले करना चाहिए कि भारतीय सैनिक उसमें गश्त करें, उनका देख रेख करें, क्योंकि वहाँ पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो, वहाँ पे कोई नार्कोजिम का एक्टिविटी ना हो, कोई ड्रग्स का व्यापार ना हो। इसलिए जल्द से जल्द मणिपुर के जंगल और पहाड़ों को जो असुरक्षित हो चुका है हमसे, वहाँ पे आर्मी के सुपुर्द करके, भारतीय सैनिक के सुपुर्द करके उनके हवाले दिया जाए। पांचवा है, मैतेई समुदाय के लोगों को सुरक्षा की गारंटी दी जाए, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्थितियाँ ऐसी बनी हैं कि सत्ता पक्ष में भी कुकी समुदाय के 7 विधायक हैं और विपक्ष में भी उनके विधायक हैं। इन सब कारणों से क्या है कि वो तो यूनाइट हो जाते हैं, कभी भी आतंकवाद को फैलाने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन उसका विरोध करने वाले लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। तो इसका गारंटी चाहिए कि मैतेई समाज के ऊपर जो हमले अभी हो रहे हैं वो आने वाले समय में, कल से भारत सरकार एक सुरक्षा की गारंटी दे, उन पे हमले ना हो, उनके बहन बेटियों के साथ कोई अत्याचार ना हो, उनके मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ ना हो। छठा जो हमारा मांग है, मैतेई जो भूमिपुत्र हैं, पुत्र हैं, मैतेई समाज भूमिपुत्र हैं, उनमें भी गरीब हैं, उनमें भी अशिक्षित हैं, उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्राइबल बेल्ट में रहते हैं, जो पहाड़ों के नीचे अपना घर बसा के रह रहे हैं, खाने के लिए उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो उनको आरक्षण दी जाए और साथ साथ उनको विशेष सुविधाएँ दी जाए मैतेई समुदाय के लोगों को कि उनको उनका जीवन यापन चलाने में कोई दिक्कत ना हो, वो सुरक्षित रहे। और सातवां और आखिरी मांग, जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, हमने जो दिया है भारत सरकार को राज्यपाल महोदय के द्वारा, कि कुकी समाज के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके नेता हैं और उनका जो सार्वजनिक स्थल है उसका निरीक्षण हो, पुलिस प्रशासन द्वारा, आर्मी द्वारा, हमारे खुफिया तंत्रों के द्वारा, भारतीय खुफिया तंत्रों के द्वारा उनका निरीक्षण हो। और जब निरीक्षण होगा तो निश्चित तौर पे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे वहाँ से इलीगल एक्टिविटीज़ के काफ़ी सारे सबूत मिलेंगे, हथियार मिलेंगे, अवैध हथियार मिलेंगे उनके घरों से, उनके घरों से अवैध ड्रग्स मिलेंगे। तो इन सब मांगों के लिए भारत रक्षा मंच
ने आज अपना यह कार्यक्रम किया है और आप पत्रकार बंधुओं के पास हम कर जोर के आग्रह करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को आगे बढ़ाएं, इसलिए बढ़ाएं कि यह आज देश खतरे में हो रहा है। विदेशी घुसपैठ बहुत बड़ा जहर बनते जा रहा है, किसी न किसी रूप में विदेशी घुसपैठ हमारे देश में आ रहे हैं और इसके लिए रोकने के लिए सबसे बड़ा स्तंभ आप लोग हैं इस स्वतंत्र भारत का। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है हम सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी के साथ चलने के लिए, और आपका सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि आप अगर हमारी बातों को लिखेंगे, बढ़ाएंगे, आगे तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार को मजबूर होकर इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि जो अभी चल रहा है पिछले लगभग 100 दिन से, 95-96 दिनों से वहाँ पे जो घटनाक्रम में हो रही है, कोई भी सरकार सेंसिटिव नहीं हो रही है। अगर भारत सरकार चाहती, वहाँ की प्रदेश सरकार चाहती, तो इमीडिएट एक्शन उस पर हो जाता, आज मणिपुर शांति के कागज पर होता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति और हम लोगों के लिए असहनीय है, दुख की स्थिति है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारी बातों को आगे तक बढ़ाएं। हम लोग भले ही छोटे लोग हैं, लेकिन आपके बीच हम लोग आके एक बड़े काम के लिए बैठे हुए हैं, बड़ी मांग को रख रहे हैं। आप लोग निश्चित ही इसको आगे बढ़ाएंगे।